कसडोल ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पुलेनी का पंचायत हमेशा विवाद में रहा है। बता दें कि वर्तमान उप सरपंच और गांव के कुछ ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि हमारे गांव के सरपंच देव प्रसाद महिपाल कभी पंचायत नहीं आते और कभी आ जाते हैं तो शराब पीकर पंचायत पहुंचते हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि कुछ छोटे छोटे पंचायत संबंधित काम आ जाने पर कई दिनों तक सचिव का इंतजार करना पड़ता है और फोन लगाने पर फोन तक नहीं उठाते। वहीं उप सरपंच कुलेश्वर वर्मा को पूछने पर बताया कि हमारे ग्राम पंचायत पुलेनी सचिव देव प्रसाद महिपाल नहीं आते हैं। चुनाव हुए लगभग 4 महीने बीत जाने के बाद भी आज तक ग्राम सचिव पंचायत नहीं आए हैं और कभी आते भी हैं तो शराब पीकर आते हैं। वहीं इस मामले में पुलेनी सचिव देव प्रसाद महिपाल को पूछने पर उन्होंने पहले टाल मटोल जवाब दिया, फिर बताया कि मैं हमेशा पंचायत आता हूं, अभी मेरा तबियत खराब होने के कारण नहीं आ पाया हूं, अब ठीक हो गया हूं, पुनः पंचायत लगातार आऊंगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या ग्रामीण झूठ बोल रहे हैं या फिर सचिव देव प्रसाद महिपाल झूठ बोल रहे हैं। यह बात तब सामने आएगा जब CEO द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया जाएगा। सचिव देव प्रसाद महिपाल हमेशा शराब पी के आते और पंचायत एक काम ढंग से नहीं कर रहे। वो दिन मोर सामने एक बात है जहाँ लड़का के अगर पंजीयन कराए कहीं तो बाद में करा कहीं पर समय निकल जाए और आदमी का करे पंजीयन के लिए स्कूल में एडमिशन के लिए सबके लिए परेशानी जाते। एक लिए हमारे गाँव वालों चाहते हैं कि वो सचिव लिहान निकाल के दूसरे जगह ट्रांसफर कर रहे। आपके नाम? मोर नाम राधे श्याम वर्मा, ग्राम पंचायत पुलेनी। ये गलत है, अभी बीच में मेरा तबीयत खराब था ना, इसलिए नहीं आ पाया, अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं ग्राम पंचायत पुलेनी के उप सरपंच जो हमारे सचिव की शिकायत लेकर बात कर रहा था। जो हमारे गांव के सचिव श्री देव प्रसाद महिपाल है वो भी नहीं कर रहा है। अभी चला थे जो बाहर से प्रवासी आते होकर कोई रहे मतलब ना सो यह नहीं कर रहा था, व्यवस्था व्यवस्था वहाँ भी नहीं कर रहा था, बुलाफन ना था, उनके फोन नहीं उठाए और पता नहीं वो क्या करते कि अभी भी हमारे बैठक नहीं हुआ है। एक बार हुआ है जो वो मतलब ना पेंशन के संबंध में बाकी बैठक वो भी नहीं कर रहे और शराब पी के पंचायत में आते और ना कुछ तरीके से व्यवस्था से नहीं करे कि हम चाहते सचिव हम नहीं रखन के प्रशासन से हम यही उम्मीद कर रहा था। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और इसी प्रकार के लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए IDP24 न्यूज। और हाँ, YouTube में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।